स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी को अपनी मन की बात करने की बुरी आदत है। इतनी बुरी आदत है कि अब मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर अपनी मन की बात करने लगे हैं, क्योंकि अब देश की जनता तो उनके झूठे और खोखले बातों से थक चुकी है। तो अब जनता पर तो उनकी किसी भी बातों का कोई असर होने वाला है नहीं, तो उन्होंने सोचा चलो मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर थोड़ा टाइम पास किया जाए, क्योंकि उनका देश तो इतना खुशहाल है कि उनके पास तो कुछ करने के लिए रहा ही नहीं। दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उसके बाद सारे के सारे चूहे बिल से बाहर आ गए और एक के बाद एक ट्वीट करने लगे कि कैसे आप प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कैसे आप प्रधानमंत्री जी के छवि को खराब कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और इसमें कुछ भी नया भी नहीं है। अब जैसे ही प्रधानमंत्री जी से कोई सवाल करेंगे या प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट जाएंगे, ये सारे के सारे सेनाएं हथियार लेकर अपने सुप्रीम लीडर को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, हेमंत सोरेन ने क्या ट्वीट किया, उनके रिस्पॉन्स में सुप्रीम लीडर के सेनाओं ने क्या किया, आपको सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, 6 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को फोन लगाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को फोन लगाएंगे तो काम की बात करने के लिए ही फोन लगाएंगे। अब देश में इतनी बड़ी आपदा आई है तो अपना मन बहलाने के लिए तो फोन नहीं ही लगाएंगे, पर दोस्तों ऐसा हमें लगता है। दोस्तों, मोदी जी से बात करने के बाद हेमंत सोरेन ट्विटर पर एक ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की ही बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। हेमंत जी के इस ट्वीट से मालूम पड़ता है कि उन्हें काफी बुरा लगा है मोदी जी का ये रवैया। पर मोदी जी के इस रवैये से तो पूरा देश परेशान है, क्योंकि अगर मोदी जी को काम की बात सुनना आता तो आज देश का ये हाल ना होता, चारों तरफ यूं लाशें ना बिछी होती। और अगर काम की बात करनी आती तो आज जनता की चीख को कम करने के लिए कुछ कर रहे होते, यूं लोगों को प्रोटोकॉल्स नहीं सिखा रहे होते। दोस्तों, हेमंत सोरेन के इस ट्वीट में क्या बुराई थी? इस ट्वीट में ना तो उन्होंने किसी दुःशब्दों का इस्तेमाल किया है और ना ही कुछ ऐसा बोला है जिससे मोदी जी की छवि खराब हो रही। अब वो बात अलग है कि मोदी जी ने पिछले कुछ दिनों में अपनी छवि को ज्यादा ही अच्छी बना ली है। दोस्तों, हेमंत जी के इस ट्वीट के बाद जो चूहे बिल से बाहर आए हैं, मैं आपको उन चूहों की कैटेगरी बता देती हूँ। उस कैटेगरी में आते हैं बीजेपी के सारे नेता, उनके मुख्यमंत्री, सारी गोदी मीडिया, ये सारे लोग एक साथ मिलकर गिद्ध की तरह हेमंत सोरेन को नोचना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, उस ट्वीट के बाद इन लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा आपको सब बताऊंगी, पर उससे पहले एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आपको नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या बात होती है देश के बारे में या कोरोना को लेकर, वो सार्वजनिक होनी चाहिए? क्या हमें नहीं पता होना चाहिए कि हमारी भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए मंत्रीगण क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये तो अच्छा ही रहेगा ना कि हमें पता चलता रहेगा कि हमारे भलाई के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश के लिए क्या सोचा जा रहा है, क्या डिसीजन लिया जा रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग हो रही थी, तब केजरीवाल ने लाइव शुरू कर दिया और अपने राज्य की समस्या ना कि सिर्फ प्रधानमंत्री के सामने रखी बल्कि देश की जनता के सामने भी रखी। पर जैसे ही मोदी जी को पता चला, वो तिलमिला उठे और केजरीवाल को प्रोटोकॉल याद दिलाने लगे, जैसे मोदी जी खुद बड़े प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, और बिना जवाब दिए लाइव रुकवा दिया। क्यों ऐसा? जब जनता ने सवाल सुन ही लिया था तो जवाब भी सुना देते, कह देते कि हाँ दिल्ली को भी 700 टन ऑक्सीजन भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों का इस विषय पर क्या कहना है, अपना जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। दोस्तों, अब सबसे पहले आते हैं उन लोगों पर जो कि हेमंत सोरेन के ऊपर टूट पड़े। सबसे पहले देखते हैं उन लोगों को जो अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, जो घर से काम पर तो जाते हैं पर न्यूज नहीं दिखाते, जिनका काम अब पत्रकारिता से चाटुकारिता में बदल चुकी है, जिनकी आत्मा अंदर से पूरी तरीके से खोखली हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं चित्रा त्रिपाठी की, जो कि आज तक की एंकर है। वो लिखती हैं कि झारखंड के अस्पताल दम तोड़ रहे हैं और सीएम की भाषा अहंकार से ओतप्रोत है। मरीजों को लौटाया जा रहा है अस्पताल से, हर जगह से विलाप की तस्वीरें मन को बेचैन करती हैं। अब अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहना अहंकार भरा है, तो क्या दीदी, ओ दीदी,
इस टोन में किसी प्रधानमंत्री का कहना क्या प्यार भरा था? उस वक्त इन्हें कुछ गलत नहीं लगा तो फिर आज क्यों गलत लग रहा है? मतलब इन्होंने ये कसम खा ली है कि कोई बीजेपी के लोग कुछ भी कह ले, उस वक्त इनके आंख कान मुंह सब बंद हो जाएंगे। पर जैसे ही कोई प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई सवाल उठाएगा या उनके अगेंस्ट कुछ बोलेगा, सबके आवाज अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। अब बात करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा की, जो कि बीजेपी के हैं। वो लिखते हैं कि आपका यह ट्वीट न सिर्फ न्यूनतम मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस राज्य की जनता की पीड़ा का भी मजाक उड़ाना है जिनका हाल जानने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया था। बहुत ओछी हरकत कर दी आपने, मुख्यमंत्री पद की गरिमा भी गिरा दी। अब प्रशांत पटेल उमराव, जो कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और मोदी जी के सपोर्टर भी, वो लिखते हैं कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा करिए, इनकी कोई गलती नहीं है। शराब के नशे में गलती से इन्होंने ऐसा ट्वीट कर दिया होगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री अपने यौवन काल में कदम रखते ही शराबी बलात्कारी हो जाए, उससे प्रधानमंत्री जी आप क्या उम्मीद रखते हैं? मुझे तो आप नशे में लग रहे हैं प्रशांत जी, ट्वीट करने से पहले जरा देख तो लीजिए कि आप क्या ट्वीट कर रहे हैं और किसके लिए ट्वीट कर रहे हैं। क्या इस तरह का भाषा आपको शोभा देता है? दोस्तों, ये वो सेना है जिसे मोदी जी ने तैयार किया है अपने बचाव के लिए, और ये तो कुछ ही है। ऐसे कई और लोग हैं जो मोदी जी को बचाने के लिए सामने आते रहते हैं। अगर सबको देखने जाएंगे तो ये वीडियो घंटे भर का बन जाएगा। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अब देश को मन की बात नहीं सुननी, अब देश को देश की बात सुननी है। और अगर आपको कुछ सुनाना ही है तो वो सुनाइए जो हम सुनना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में।